ऐसे कर लूँ ना, ये देखो आप बिल्कुल एक मुट्ठी में ये आ जाता है। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई हॉल वीडियो में। आज की हॉल वीडियो होने वाली है मिंत्रा कुर्ता सेट हॉल वीडियो। तो मैंने मिंत्रा से कुछ कुर्ते सेट्स मंगवाए हैं एंड ये सभी अंडर 500 हैं। तो मैं आपको वन बाय वन सारे दिखाने वाली हूँ कि कैसे आए हैं और आप भी इन्हें परचेज कर सकते हो। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो हाय, मैं हूँ कनिका त्यागी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आज का फर्स्ट कुर्ता सेट। तो ये है मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कलर में, जो कि बहुत ही सुंदर है। लुक एट द कलर। पहले आप इसका बॉटम देखो, ये इसका बॉटम है जो कि एक प्लाजो पैंट है बेसिकली, और ये कुछ इस तरह की है। इतनी चौड़ी है, बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भिची भी नहीं है जिससे उठने बैठने में प्रॉब्लम हो। और ये इसकी वेस्ट है जिस पर आगे की साइड बेल्ट दी हुई है और पीछे की साइड इलास्टिक दी हुई है, जिससे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है पहनना। और आगे से बेल्ट है तो फिटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और इसकी स्टिचिंग आप देख सकते हो कितनी प्रॉपर की गई है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। और ये हाई वेस्टेड पैंट है, मतलब हाई वेस्टेड प्लाजो है। तो जिन लोगों को यहाँ से प्रॉब्लम होती है उठने बैठने में, इनकी स्टिचिंग निकल जाती है बहुत सी बार, उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। स्टिचिंग नहीं निकलेगी क्योंकि ये हाई वेस्टेड है, इसकी इनसीम लेंथ बहुत ज्यादा है। बाकी इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो A1 है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट है, कॉटन मटेरियल है। और इसका कुर्ता दिखाती हूँ जो कि बहुत ही प्यारा आया है, बिल्कुल प्योर कॉटन। ये इसका फैब्रिक है कुर्ते का, पर जयपुरी प्रिंट ये दिया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था मुझे तो। ये मैंने मिंत्रा पे जब देखा था तब भी, और जब ये आ गया है तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये इसकी नेक है जो कि गोल है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है समर के लिए। स्पेशली जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डीप नेक पहनना पसंद नहीं है कुर्तों में, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसकी स्लीव्स हैं 3/4 लेंथ में, जो कि बहुत ही प्रॉपर है। मैंने इसमें एस साइज़ मंगवाया था और मुझे इसकी फिटिंग वगैरह बहुत ही अच्छी आ रही है। और इस पे जो डिज़ाइन दिया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही प्यारा मुझे लगा। और ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने में कि मतलब समर्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। लेंथ वगैरह एकदम परफेक्ट है, स्टिचिंग एकदम परफेक्ट है। जो मिंत्रा पे दिखा था एग्जैक्टली वही आया है। प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अनूप ब्रांड का है ये, एस साइज़ मैंने इसमें मंगवाया था। और इस पर जो प्राइस लिखा है वो 1599 रुपीज़ लिखा है, बट ऑब्वियसली अंडर 500 है ये, इतने का नहीं है। ये मुझे मिंत्रा से मिला ओनली 463 रुपीज़ में, ओनली 463 रुपीज़ में। बहुत ही प्यारा है मुझे, स्पेशली इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन में ये है। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ एक और कुर्ता सेट जो मैंने मिंत्रा से लिया, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे ये ब्लू कलर में मेरे पास है। ये इसका बॉटम है जो कि एक अगेन प्लाजो पैंट ही है, मतलब इसको मैं पैंट बोलूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नैरो भी नहीं है कि पहनने में प्रॉब्लम हो या उठने बैठने में प्रॉब्लम हो। एकदम बढ़िया बढ़िया फिटिंग की है। आगे इसमें भी ये बेल्ट दी हुई है और पीछे इसमें इलास्टिक दी हुई है। प्रॉपर फिटिंग है, मस्त एकदम फिटिंग है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगेन ये भी हाई वेस्टेड है जिससे उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और स्टिचिंग ख़राब नहीं होती है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। और इसका कुर्ता मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये कुर्ता है जो कि बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल पार्टी वेयर कुर्ता इसको मैं बोलूँगी, क्योंकि इस पर जो ये वर्क इन्होंने दिया हुआ है ये एक्चुअल में फॉयल प्रिंट है, जिसको फॉयल प्रिंट होता है वो है, लेकिन चीप क्वालिटी का फॉयल प्रिंट नहीं है, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का फॉयल प्रिंट है। ब्लू कलर पर सिल्वर कलर का फॉयल प्रिंट दिया हुआ है। ये इसकी हैं जो कि 3/4 तो हैं, साथ ही में यहाँ पे हल्का सा डिज़ाइन भी इसमें दिया हुआ है। लाइक अम्ब्रेला नहीं है, अम्ब्रेला नहीं बोलूँगी क्योंकि अम्ब्रेला कट में काफ़ी ज़्यादा लूज़ होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं है, बस ये थोड़ा सा लूज़ है। थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पे इसमें दिया हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी प्यारा लग रहा है। पीछे से ये बिल्कुल प्लेन है, लुक एट दिस, पीछे से बिल्कुल प्लेन है। ब्लू कलर का कुर्ता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। लेंथ वगैरह एकदम परफेक्ट है, स्टिचिंग के एकदम परफेक्ट है। ये इसकी नेक है, गोल ही है, इसकी भी नेक राउंड है। इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये कॉटन तो नहीं है लेकिन चुभने वाली चीज़ भी नहीं है, मतलब समर्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा पार्टी लुक है इसमें, तो हल्का सा सिल्क ब्लेंड या कुछ इस तरह का कपड़ा इसको मैं बोलूँगी। कॉटन तो ये नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। और अभी तो जैसे गर्मी भी बहुत हो रही है, तो अगर हम कुछ भी नया पहनते हैं ऐसा जो अनकम्फर्टेबल हो तो हमें पता चल जाता है, लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल अनकम्फर्ट फील नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा मुझे ये लगा। और ये मुझे मिंत्रा से मिला है 489 रुपीज़ में ओनली। नेक्स्ट एक और कुर्ता सेट जो कि फिर से ब्लू ही कलर का है, बट इसका ब्लू कलर और उसके ब्लू कलर में थोड़ा अंतर है, क्योंकि ये वाला जो ब्लू कलर है ये थोड़ा सा शाइनी है और ये वाला ब्लू कलर नेवी ब्लू कलर है। और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। रीज़न इसका प्लाजो आप देखो कितना ज़्यादा अच्छा है, मतलब परफेक्ट प्लाजो ये है। प्लाजो की जो एकदम परफेक्ट वाली चौड़ाई होती है बिल्कुल वो इसकी है और स्टिचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। साथ ही में फ्रंट पे बेल्ट दी हुई है, पीछे इलास्टिक दी हुई है। इन सभी के जो बॉटम हैं इनमें पीछे की साइड यहाँ पे ये चुन्नटें डाली हुई है, मतलब इस तरह से इनको स्टिच किया गया है कि आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब भी हम ऑनलाइन कपड़े मतलब हम मंगवाते हैं, लाइक हम रेडीमेड कपड़े जब हम लेते हैं, स्पेशली जब बॉटम वेयर्स हम रेडीमेड लेते हैं तो उनमें ये चीज़ नहीं होती, ये चुन्नटें नहीं होती, जिसकी वजह से जब हम इनको पहन के उठते बैठते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ये खिंचने लगते हैं, कपड़ा फट जाता है काफ़ी बार और इस जगह से स्पेशली इनकी स्टिचिंग निकल जाती है। तो वो चीज़ें इनमें नहीं होने वाली हैं क्योंकि इनकी स्टिचिंग इतनी ज़्यादा प्रॉपर है। साथ ही में ये हाई वेस्टेड हैं, इनकी इन सीम लेंथ बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ से इनकी स्टिचिंग नहीं निकलेगी। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इनकी। और इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक ये है, कॉटन का ये फैब्रिक है और बहुत ही सॉफ्ट वाला कॉटन है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, गर्मियों के हिसाब से तो एकदम परफेक्ट है और क्योंकि मुझे तो बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद है तो मेरे लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। अगर आप लोगों को भी कंफर्टेबल कपड़े ही पहनना पसंद है और बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े भी नहीं लेने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इनमें से कोई कुर्ता ज़रूर ट्राई करना। इसका कुर्ता मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो बॉटम था। सो ये है इसका कुर्ता और जो कि बहुत ही सुंदर है। ये ब्लू कलर पर येलो कलर का प्रिंट दिया हुआ है, कॉटन का कुर्ता, बिल्कुल प्योर कॉटन जिसे कहते हैं वो है, सॉफ्ट वाला है, लेंथ वगैरह एकदम प्रॉपर है, इसकी फिटिंग एकदम मस्त आई है, इसकी स्टिचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी दी हुई है। और ये इसकी नेक है, इसकी नेक औरों से डिफरेंट है, बहुत सुंदर नेक है। मुझे वेल नेक भी समझ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। 3/4 स्लीव है इसकी भी, जो प्रिंट वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये भी अनूप ब्रांड का है। अगर आपको डाउट है कि आपको किस ब्रांड के कुर्ते या कुर्ता सेट्स वगैरह लेने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप मिंत्रा से अनूप ब्रांड को ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी इस पर 1799 रुपीज़ लिखा हुआ है, एस साइज़ मैंने इसमें मंगवाया था। ये मुझे सिर्फ 404 रुपीज़ में मिला है, मतलब 400 ही मान लो, 400 रुपीज़ में मुझे इतना प्यारा कुर्ता सेट मिला है कि मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्योंकि मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इनकी आ जाएगी, बट सच में बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। मिंत्रा कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। नेक्स्ट एक बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मेरा आज की वीडियो का फेवरेट कुर्ता सेट है। सो ये इसका बॉटम है जो कि अगेन प्लाजो ही है। लुक एट दिस कि कितना प्यारा प्लाजो है, ये इसका प्लाजो है, इतनी इसकी चौड़ाई है। इसमें भी बेल्ट दी हुई है आगे पीछे, इसमें इलास्टिक दी हुई है और यहाँ पे इस तरह से चुन्नटें डाली हुई हैं कि बिल्कुल उठने बैठने प्रॉब्लम नहीं होगी। हाई वेस्टेड है, नीचे से भी इसकी स्टिचिंग नहीं जाएगी। और इसका प्रिंट आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और इसका कपड़ा आप देखो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ ना, ये देखो आप, बिल्कुल एक मुट्ठी में ये आ जाता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट इसका कपड़ा है। वो तो ऐसे मन कर रहा है कि बस ऐसे रब करते रहो, इतना प्यारा है ये। और इसका प्रिंट भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। तो ये इसका कुर्ता है, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन। और ये ना येलो कलर, हल्दी वाला जो येलो कलर होता है ना, मस्टर्ड येलो, वो वाला कलर है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब ये एकदम सटल लगता है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे चमकीला सा नहीं होता जो आंखों में चुभे, वो वाला येलो कलर नहीं होता। दैट्स वाई ये कलर मुझे अच्छा लगा था। और ये इसकी नेक है जो कि बहुत ही प्यारी है, समर्स के हिसाब से तो बहुत अच्छी लगती है ये वाली नेक। 3/4 स्लीव है और ये बिल्कुल प्लेन है, पूरा कुर्ता प्लेन है, बस इसमें जो यहाँ पर ये पाइपिंग लगाई हुई है इस पर बॉटम वाले डिज़ाइन की ये पाइपिंग लगाई हुई है, बाकी ये बिल्कुल प्लेन है पूरा कुर्ता। और इसकी क्वालिटी A1 है और इसका फैब्रिक भी कॉटन में है, बहुत ही सॉफ्ट वाला कॉटन है। मिंत्रा ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया, जैसे कुर्ते सेट मुझे मिंत्रा पे दिखे थे बिल्कुल वैसे ही आए हैं, जो क्वालिटी दिखी थी बिल्कुल वही क्वालिटी आई है। और ये मुझे मिंत्रा से 445 रुपीज़ में मिला है। अगर आपको इनमें से कोई भी कुर्ता खरीदना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कुछ और कुर्ते सेट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।